आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय कन्वीनर अने दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले देश ना प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर मा शीश झुकावी देश नी सुख समृद्धि माटे प्रार्थना करी हती। अरविंद केजरीवाल सोमनाथ महादेव मंदिरे शिवजी ना दर्शन करी ध्वज पूजा तेमज सोमेश्वर महापूजन करी धन्यता अनुभवी हती अने तेमने यात्री प्रतिभावनी बुक मा सोमनाथ मंदिर मा आववाथी बहु शांति मळे छे अने देश नी समृद्धि अने शांति माटे प्रार्थना करी होवाना विचारो व्यक्त कर्या हता। सोमनाथ जी के मंदिर में आने का मौका मिला, अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। उनके भगवान महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और पूरी भक्ति के साथ हम सब लोगों ने गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए, लोगों के लिए तरक्की, पूरे देश के विकास के लिए और सुख शांति के लिए, सबके सुख शांति के लिए हमने कामना की। यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, समुद्र के तट पर जो भगवान महादेव का मंदिर है, सोमनाथ जी का मंदिर है, बहुत बहुत शांति मिलती है और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सर, जो हादसा हुआ है जिसमें मेरा रिक्वेस्ट है, अभी मंदिर में है तो अभी आपसे दो तीन जगह और राजकोट में भी आप लोगों से मुलाकात होगी और वहाँ भी आएंगे, वहाँ अच्छे से बात करेंगे। यहाँ बिल्कुल सब करेंगे। मैं यहाँ राजनीति, यहाँ बस केवल और केवल भक्ति के लिए आए हैं, राजनीति की बातें आज पूरा दिन कई बार आपके करेगा। अभी राजकोट जा रहे हैं, फिर वहाँ से भावनगर और सोमनाथ में 1 तारीख को राजनीति की बात करेगा। भगवान से क्या प्रार्थना? भगवान से प्रार्थना की देश की तरक्की के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, पूरे देशवासियों के सुख शांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों की तरक्की हो, सब लोग खुश रहें हमारे देश में, सब लोग स्वस्थ रहें और देश जो है हमारा भारत देश दुनिया का नंबर वन देश बने। ये मैं, लेकिन जहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है उस मामले पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखदायी घटना है, जो 20 से ज्यादा लोगों की इस हादसे के अंदर मौत हुई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो जो लोग अभी अस्पताल के अंदर सीरियस हालत में हैं, अपनी ज़िंदगी की जूझ रहे हैं, भगवान उन सब लोगों को बचाए और उनको जीवन प्रदान करे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना।